नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो DSSB PRT का 2014 में पेपर हुआ था साइकोलॉजी, उसके साइकोलॉजी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, पहला प्रश्न है कि किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया था? तो इसका आंसर ग्रीक रहेगा। ग्रीक देश में शिक्षा के क्षेत्र में बल दिया गया बौद्धिक उद्देश्य पर। नंबर दो, दूसरा प्रश्न क्या है कि जो स्कूल अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का जो सबसे आम तरीका है वह कौन सा है? जो सबसे आम तरीका है उसका आंसर सी रहेगा, सांख्यिकी नियंत्रण। ठीक है, अगला देखो, जो मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य पत्ती बिंदु से बेहतर क्यों है? कौन सी पत्ती? मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य पत्ती। तो इसका आंसर हम ए करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूली शिक्षा में जो मध्य ग्रेड अंतराल है वह अन्य जो उपलब्धियां हैं उनके उनसे संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि एक 5 वर्ष का लड़का है, उसका नाम रियान है। वह आर अक्षर को भी पहचानता है, वाई को भी, ए को भी और एन को भी, इन सभी को वह परिचित है इनसे। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस पत्ती को किस रूप में जाना जाता है? तो हम बता सकते हैं कि वह स्वयं के नाम का क्या है, लाभ कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वह इन अक्षरों से परिचित है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा कैट शब्द के जो कौन सा शब्द कैट, तो जो इसके घटक हैं इनके ध्वनि क्रम को सी प्लस ए प्लस टी, मतलब कि इनको खंडित करने में सक्षम है, वह किसके गैर सतर का प्रदर्शन करता है? तो किसके गैर सतर का प्रदर्शन करता है? ध्वनि जागरूकता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, एक सौ अगला देखो। अगले में पूछा कि जो निम्नलिखित में से स्कूली संस्कृति का जो कौन सा मानदंड शिक्षा ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तनों को सुगम बनाता है? तो हमको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से देखना है। पहला ऑप्शन दिया कि अत्यधिक उम्मीदें, प्रयोग, सहशासन, प्रशंसा, निर्णय लेने और देखभाल में भागीदारी। ठीक है, अगला दिया उसने कि प्रयोग, ठोस, ठीक है, प्रयोग, ठोस समर्थन के आधार पर जिक्र, सहशासन, अत्यधिक उम्मीद और भरोसा और विश्वास। थर्ड दिया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बी ही रहेगा। ठीक है, अगला देखो, 107 में क्या बोलता है ये कि हर ग्रीव्स ने विफल सुधारों पर साहित्य का संक्षिप्त विवरण दिया है। किसने? हर ग्रीव्स ने। उन्होंने कहा है कि जो शैक्षिक परिवर्तन लड़खड़ा या विफल हो जाते हैं क्योंकि, तो ऑप्शन दिए हैं, आपने ऑप्शन में से देखने हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका आंसर डी रहेगा, ये सभी रहेंगे। ठीक है, तो अगला देखो, 108, जो स्वायत्ता नैतिकता है और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच क्या अंतर है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन सी रहेगा। जो स्वायत्ता नैतिकता विचारक नियम तोड़ने वाले के इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या करते हैं? तोड़ने वाले इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है पाई गेट क्या है? क्या बोला? पाई गेट। तो आप बता सकते हैं कि पाई गेट जो स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ, साथियों के साथ संबंधों की आपसी लेन देन के माध्यम से आती है। क्या आती है पाई गेट? जो बच्चों की सामाजिक समझ, साथियों के संबंध या आपसी लेन देन के माध्यम से आती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखो, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का मतलब है। इसने क्या बोला कि जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है उनका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका आंसर ए ही रहेगा, क्योंकि नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, देखो आगे, नियमित अंतराल अन्य प्रबंधकों से मिलने, अनुभव, चुनौतियां और समाधान को संज्ञा करने, प्रक्रियाओं की एक समस्या समझ का निर्माण करने और एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, कि सहकर्मी से सहकर्मी तक अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
कि अपनी स्थिति की समझ और सुधार लाने के एक सामान्य हित के साथ अपने स्वास्थ्य केंद्र के भीतर और बाहर का प्रबंधक क्या है? क्या है ये? एक नेटवर्क है, ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि प्रोत्साहन, संलग्न, ग्रहण, अवलोकन और अध्ययन पर्यटन क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बी रहेगा कि व्यावहारिक शिक्षा और आपके जैसी परिस्थितियों का सामना दूसरे कैसे करते हैं उसके उदाहरण प्रदान करना। तो इसमें क्या आएगा? बी आंसर राइट रहेगा। ठीक है, अगला देखो, परावर्तन सतर क्या है? परावर्तन सतर क्या है? तो इसका आंसर बी रहेगा, परावर्तन सतर का, कि प्रबंधक और उनकी टीम अपने कार्य की समीक्षा करने के लिए नियमित समय निर्धारित करते हैं, उन क्षेत्रों को पहचानते हैं जिन्हें सुधार की आवश्यकता होती है और सेवा में सुधार करने के तरीके खोजते हैं। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, सहकर्मी अध्ययन तकनीक में शामिल है। क्या बोला? कि जो सहकर्मी अध्यापन है, सॉरी, सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है। किस तकनीक में शामिल है? ये ए रहेगा, नेटवर्क में भी, अध्ययन चक्र में भी और परावर्तन सतर में भी। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा, ये तीनों में शामिल है। ठीक है, अगला देखो, गिलिगिन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की है? ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा, क्योंकि यह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है कि भाव को किस रूप में परिभाषित किया गया है? किसको? भाव को। तो ए रहेगा, शरीर, सिर या पैर की गति, विशेष रूप से हाथों या चेहरे का समावेशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भाषा को सभी मानव समूहों, यहाँ तक कि साधारण संस्कृति प्रकरण में भी पाया जाता है? तो किसको पाया जाता है? हम बता सकते हैं जो आदिम लोगों की भाषा है उसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखो, मानव भाषण का जो विकास है वह शारीरिक परिपक्वता और व्यक्तिगत सामाजिक उत्तेजना पर निर्भर विभिन्न प्राकृतिक चरण चरणों के अंतर्गत आता है। ये चरण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा, ये सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 120, अभिशासन और महामहिम का एकल बल और दर्द की पुकार, भूख, दर्द, ठंड, अंधेरा, माँ का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? देखो, तो इसका आंसर सी रहेगा, दवनी और स्थिति की समिति द्वारा जो सत्य भाषण की प्राप्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, माप का जो पहला चरण है वह चरण क्या होता है? माप का पहला चरण होता है निर्णय लेना। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा, कि निर्णय लेना कि क्या मापना है। ठीक है, तभी तो हम माप का बता सकते हैं। इसका ए आंसर राइट रहेगा। देखो अगला, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? किसमें? योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? बी रहेगा, परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो कुदर चिडरसन विधि का इस्तेमाल है वह खालिस्तान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? विश्वसनीयता का। ठीक है, विश्वसनीयता का कुदर चिटरसन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि विविधता देने के लिए, विविध बनाने के लिए, खालिस्तान स्थिति या गुणवत्ता की निष्पक्षता के लिए, सौदे में निष्पक्षता के लिए क्या आएगा यहाँ पर? तो इस 124 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अपक्षपात। क्या हो जाएगा? अपक्षपात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खालिस्तान को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए?
डिजाइन किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, आकलन रणनीति। क्या आ जाएगा? आकलन रणनीति। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसका मानना है कि किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने और वंचित युवाओं को एक बेहतर बचपन और एक उज्जवल भविष्य का मौका देने के लिए कोई भी जल्दी या देरी नहीं होती? तो यह किसका मानना है? बर्नाडो का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जेम्स और प्राउड ने प्रस्ताव रखा था कि खालिस्तान जीवन का एक जैविक तथ्य है, लेकिन जिस तरीके से इसे समझाया जाता है और इसे अर्थपूर्ण बनाया जाता है, वे खालिस्तान का एक तथ्य है। तो इसका आंसर आप बताओ कौन सा आएगा? इसका आंसर सी आएगा, बचपन की अपरिपक्वता और संस्कृति। ठीक है, क्या आएगा? बचपन की अपरिपक्वता और संस्कृति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जेम्स और प्राउट द्वारा उल्लिखित प्रतिमान की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा, मतलब कि बच्चों को समाज का निर्माण माना जाता है, बचपन सामाजिक विश्लेषण का एक सर है, और बच्चे को सक्रिय सामाजिक एजेंडा को एजेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रिंगल के मुताबिक बच्चों को बुनियादी आवश्यकताएं हैं। किसके मुताबिक? प्रिंगल के मुताबिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी, प्यार और सुरक्षा की जरूरत, नए अनुभव और जिम्मेदारी, प्रशंसा और पहचान, ये सभी आवश्यकताएं हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा ना। अगला देखो, एसएससी के विशेष कर्तव्यों को खालिस्तान में प्रदान किया जाना चाहिए या किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए बी और बी बी, मतलब कि दोनों। क्या? शिक्षा अधिनियम 1995 धारा 140.5 और शिक्षा विनियम 1986 धारा 3.92। तो इसको आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि खालिस्तान स्क्रीनिंग यंत्र का उपयोग शिशु शिक्षकों द्वारा स्कूली वर्ष के लिए शिशु शिक्षा योजना में बच्चों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब कि ध्वनि जागरूकता साक्षरता स्क्रीनिंग प्रेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखो, बच्चे अपने माता पिता के प्रबलन से प्रतिक्रिया में उपयुक्त ध्वनियों और शब्दों को सीखते हैं, ऐसा सुझाव भाषा के विकास के किस सिद्धांत में दिया जाता है? भाषा के सिद्धांत में पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत में। ठीक है, अगला देखो, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है। ठीक है, अगला देखो, बच्चे का जो पहला शब्द है सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? बच्चे का पहला शब्द, बच्चे का जो भी पहला शब्द है वह ठोस वस्तुओं से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, खालिस्तान बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, नहीं पूछा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कि वैस भाषण की नकल, ठीक है, ये कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखो, किसने कहा था कि जो शिक्षण कला है वह कभी भी दर्शन शास्त्र के बिना अपने आप में सुचिता प्राप्त नहीं कर पाएगी? किसने कहा था? ये फिस्ट ने कहा था। किसने कहा था? फिस्ट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होता है और हमें कैसे पता चलता है कि यह सही है और त्रुटि रहित है? दर्शन शास्त्र के इस क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बी आंसर इसका आएगा, ज्ञान मीमांसा।
क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, आज के समाज में स्कूलों को खाली स्थान देना चाहिए, क्या देना चाहिए? व्यावसायिक आधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या हैं? क्या होते हैं? डी, सभी हो जाएंगे, स्वनिर्देशित, जिज्ञासु और स्वजागृत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखो कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा ने शिक्षकों की शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि शिक्षकों के लिए पर्याप्त वेतन और अकादमिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो, यदि हम आदमी की शारीरिक प्रकृति बनाम मानसिक प्रकृति के द्वैत सिद्धांतवादी में विश्वास करते हैं तो निम्नलिखित में से किस परिणाम पर पहुंचते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, कि शिक्षा जो है विशुद्ध रूप से स्वयं के मानसिक प्रशिक्षण और विकास का मुद्दा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखो कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 मतलब कि आर्टिकल 45 को खालिस्तान के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया है? बी, जो निःशुल्क और अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, वो किसका? इसमें दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखो कि 1979 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ने पब्लिक स्कूलों के बारे में खालिस्तान की भी सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी, बताओ आप? इसका आंसर ए हो जाएगा, उनकी विशिष्टता और परंपराओं को देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के हितों की संरक्षित करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पश्चिम में अधिनायकवादी शिक्षा की जो अवधारणा है वह निम्नलिखित में से किसके पक्ष में थी? किसके पक्ष में थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कि व्यक्ति की शिक्षा को राज्य के सपनों को साकार करने का साधन बनाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखो, माध्यमिक स्तर पर जो सह शिक्षा है, किसके स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर सह शिक्षा के बारे में 1952 और 53 शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है? इसका आंसर ए रहेगा, शुरू करने के लिए कई राज्यों द्वारा संसाधनों का वहन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, अगला देखो, जो मेटा भाषाई जागरूकता है वह क्या है? ठीक है, मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? ये भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। अगला है कि जो आविष्कार वर्तनी है वह क्या है? आविष्कार वर्तनी, आविष्कार वर्तनी क्या है? बच्चों की वाकटुता को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला देखो, उच्च संदर्भ संस्कृतियाँ क्या हैं? जो उच्च संदर्भ संस्कृतियां हैं ये सभी होंगे ए भी बी भी सी भी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब कि लोग निजी स्थानों में एक बड़ा सौदा करते हैं, वकील कम महत्वपूर्ण है, प्रतिस्पर्धा बोली कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। आगे देखो कि रूढ़िवाद बौद्धिक स्वायत्तता भावात्मक पदानुक्रम महारत समतावादी और सद्भाव मूल्य किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं या किए गए हैं? किसके द्वारा किए गए हैं? इसका आंसर ए रहेगा, स्वार्ट्स के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, संस्कृति के जो तत्व हैं वह क्या हैं? संस्कृति के तत्व क्या हैं? संस्कृति के तत्व कला भी है, ठीक है, भाषा भी है, हाँ, और प्रथा एवं परंपरा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नियम नहीं है संस्कृति के तत्वों में। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2, 3 और 4 रहेगा। ठीक है, आगे देखो, अगला है कि दुनिया में विविध
संस्कृतियों में नैतिक विकास कोलबर्ग का जो सिद्धांत से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है कि पहले चार चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है? क्या पता चलता है कि जो चार चरण हैं उनके सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, अगला देखो। नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। ये किसका है? कोलबर्ग का है। ठीक है, खालिस्तान द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। किसके द्वारा बढ़ावा देते हैं? जो मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, अगला देखो। जो कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना है उसके बारे में बताया गया है ऑप्शन में, तो इसका आंसर डी रहेगा। ये सभी, यह नैतिक विचारों पर अत्यधिक जोर देता है और नैतिक व्यवहार पर बहुत कम जोर देता है। ठीक है, कोलबर्ग की कहानियों की शुद्धता को अंकित करना बहुत मुश्किल है। इसने पूरी तरह से संस्कृति या लिंग स्तर पर विचार नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। ये सभी ठीक है। अगला देखो, किसने आलोचना की थी कि कोलबर्ग सिद्धांत में नैतिक विकास में पारस्परिक संबंधों के महत्व की उपेक्षा की गई है? किसने की थी ये? कैरल ने की थी, कैरल गिल लिगन ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, गिलिगन ने। अगला देखो, कुछ 9 महीने के बाद तूतलाहट के चरित्र में बदलाव आ गया है। यह नरम, स्पष्ट और अधिक भाषा जैसी है। उसके नकल का प्रारूप विकसित किया है जो प्राय वाक उन्मूलक होता है। उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शब्दानुकरण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सकवे सिंगर क्या है? तो बताओ आप क्या है? इसका आंसर ए रहेगा, राइट। ठीक है, इसी तरह के अध्ययन से नैतिक ज्ञान और नैतिक आचरण का सांख्यिकी विश्लेषण में बढ़ती रुचि का पता चलता है। तो क्या रहेगा? ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखो। भाषा के विकास के एक वर्णशंकर मॉडल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ECM, ECM। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए राइट आंसर रहेगा। अगला देखो, अनुकरण और सुधार के प्रारूप में सामाजिक संवाद मूलकों द्वारा पेश की गई संभावना को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकारात्मक साक्ष्य। तो इसका आंसर भी ए रहेगा। ECM खालिस्तान के ECM खालिस्तान के विकासात्मक सिद्धांत में दोनों व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, जो भाषा अधिग्रहण है वो करता है। तो 160 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आकलन और मूल्यांकन के बारे में सही कहता है या सत्य है? एक शिक्षक का 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत होता है। ये बात ठीक है, तो और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ही रहेगा। ठीक है, एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित करता है? तो कौन सा है? सी इसका आंसर हो जाएगा, कि छात्र की जो पास या फेल प्रणाली है कि उसकी अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो कौन सा आएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशतक रैंक का मतलब क्या है? ठीक है, क्या मतलब है? कि जो समान या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का जो है अनुपात है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा प्रमुख उद्देश्य नहीं है, मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो 165 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जो मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने की जो प्रमुख विधियां हैं वे कौन सी हैं। तो कौन सी रहेगी, ये सभी रहेंगी, डी ईआरपी, ठीक है, एफएमआरआई, एमईजी, ये सभी रहेंगी। तो क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे देखो, इसने ये पूछ भी लिया बी वाला आगे ही कि जो एफएमआरआई है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मस्तिष्क में रक्त प्रभाव का मार्ग है वह परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मस्तिष्क में रक्त प्रभाव का मार्ग परिवर्तन। ठीक है, तो एफएमआरआई है ये। आगे देखो कि जो पूर्व तंत्रिका प्रतिबद्धता की प्रारंभिक अवस्था में सीखना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो स्क्राइबनर और कोल ने अनौपचारिक शिक्षा की जो विशिष्ट विशेषताओं को पहचानना है वे क्या हैं। तो वे क्या हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसका आंसर बी रहेगा। मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यक्ति उन्मुख होती है, ये भी ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा परंपरावाद को बढ़ावा देती है, ये भी ठीक है। ठीक है, और जो अनौपचारिक शिक्षा में भावात्मक और बौद्धिक ज्ञान क्षेत्र शामिल होता है, ये भी ठीक है। ये तीनों ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, आगे देखो कि जुलाई 1996 में जो राज्य शिक्षा आयोग और दाना फाउंडेशन ने दोनों क्षेत्रों में नेताओं को आमंत्रित करके खालिस्तान और शिक्षा के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था, वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, न्यूरोसाइंस और मस्तिष्क विज्ञान। ठीक है, तो ए आंसर इसका राइट रहेगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के सांस्कृतिक वातावरण को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। कौन सा, बी इसका राइट आंसर रहेगा, नायक, काल्पनिक कथाएं, मूल्य, दृष्टिकोण और प्रतीक। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। आगे देखो, किसने कहा था कि जो स्कूल सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों के कुशागर बनाए जाते हैं, ये उन सामाजिक नियमों में प्रतिबंधित करते हैं जिनके लिए उन्हें विकसित किया जाता है। ये किसने कहा था, ये होलिन्स ने कहा था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा फिनन द्वारा की गई है। कौन सी धारणा की गई है, जो वयस्कों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की धारणा है वह फिनन द्वारा की गई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी भी ठीक रहेगा इसका, और वही नेतृत्व और निर्णय लेने की धारणा, ये भी ठीक रहेगा। छात्रों को शिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और संरचनाओं की धारणा, ये भी ठीक रहेगा। परिवर्तन मूल्य की धारणा, ये भी ठीक रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये सभी ठीक है। आगे देखो, छात्रों पर बड़ों का नियंत्रण, इस धारणा में फिनन क्या समझाना चाहता है। यह छात्रों के प्रति बड़ों की उम्मीदों से संबंधित है। ठीक है, ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि जो कक्षा में के संवैधानिक मुद्दों के बारे में जो शिक्षकों की निम्नलिखित धारणाएं होती हैं किसके द्वारा पहचाना गया है। तो किसके द्वारा पहचानी गई हैं, इसका आंसर डी रहेगा, जो बच्चे संवैधानिक मुद्दों को दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, सारासन 176 में का क्या रहेगा कि सामाजिक तर्क सामाजिक आप सहमति के विचारों पर केंद्रित है, नैतिक तर्क खालिस्तान पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, इसका आंसर बी रहेगा, जो नैतिक मुद्दों पर।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक समता और नैतिक प्रदर्शन के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? किसके बीच नैतिक अंतर को स्पष्ट करता है? सामाजिक संज्ञानात्मक पर। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा, इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, जो स्वयं नियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ठीक है, अगला है, जो परोपकारिता है वह क्या है? परोपकारिता, इसका आंसर भी बी रहेगा, स्वहित के बिना किसी की मदद करना परोपकारिता है। ठीक है, अगला देखो, जो पूर्व हथियारबंदी है या प्री जो आर्मिंग है उसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन दिए हैं, इसका ऑप्शन राइट ए ही है। इस रणनीति का जो उपयोग है माता पिता और अपने किशोरों के अभिभावकों के मूल्य के विपरीत बाहरी मूल्य से निपटने के लिए मदद करने के लिए देते हैं। इस रणनीति में परस्पर विरोधी मूल्य और उनके साथ निपटने के लिए किशोर की तैयारी शामिल है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, पूर्व हथियारबंदी या प्री आर्मिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखो, प्रभावी परीक्षण के जो मानक हैं वे कौन से हैं? ठीक है, तो संयुक्त उत्पादक गतिविधि, ये भी ठीक है, भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन, ये भी ठीक है, चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप, ये भी ठीक है, मतलब कि सभी ठीक है, उपरोक्त सभी डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या है बताओ आप? जो बातचीत के माध्यम से अध्यापन है वह निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए? आप सभी को पता है, लक्ष्य की भावना, ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व तो होना चाहिए, एकल कारण के लिए एक साथ काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में सक्षमता होना चाहिए। ठीक है, डी इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी इसमें ठीक है। ठीक है, आगे देखो, खालिस्तान लोगों की संतुलित भागीदारी के माध्यम से किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? प्रबंधन के माध्यम से। तो बी इसका आंसर ठीक रहेगा। आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीके में शामिल हो सकते हैं, क्या शामिल हो सकते हैं? स्व शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सलाह और अनुशिक्षण का संबंधन, मतलब कि डी इसका आंसर ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे देखो, खालिस्तान उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि जो विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिकित प्रदान करनी चाहिए। तो कितनी करनी चाहिए? टेस्ट ब्लूप्रिंट, इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, मैनहट्टन कांसास में 5वीं ग्रेड कक्षा में छात्रों को अपने काम की विभिन्न कलाकृतियों को इकट्ठा करने में और वे अपने शिक्षक और उनके माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं उसे अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहा जाता है, यह किसका एक उदाहरण है? तो किसका एक उदाहरण है? यह पोर्टफोलियो का मूल्यांकन। तो इसका पोर्टफोलियो मूल्यांकन आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, योगात्मक जो मूल्यांकन है को किस रूप में परिभाषित किया गया है? किसको? योगात्मक मूल्यांकन को। ए इसका आंसर राइट है, कार्यक्रम के प्रभाव का जो मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में इसका परिभाषित किया गया है। तो ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। सामंतक कसौटी संदर्भित परीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जो सबसे उपयुक्त होती है बताओ? तो इसका आंसर बी ठीक रहेगा। क्या बी? कि जो शिक्षक को यह जानने में मदद करना कि क्या उन्होंने उनके विषय उद्देश्य को पूरा किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि एक चयनित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न को छात्रों द्वारा खालिस्तान की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर सी रहेगा, सही जवाब पहचानने। ठीक है, और मैंने इसका जो पीडीएफ है वो नीचे दे दिया है, अगर आप कोई भी पहले खुद लगाना चाहता है या फिर बाद में करके करना चाहता है तो इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद करके देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन,
खालिस्तान सहज अवधारणाओं पर छात्रों के जो अधिग्रहण का परिणाम है और खालिस्तान अध्ययन वैज्ञानिक अवधारणाओं पर उनके अधिग्रहण का परिणाम क्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अनुभव जनय और सैद्धांतिक। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस धारणा के माध्यम से वाइगोत्स्की के 1978 के सिद्धांत में मानव मध्यस्थ की भूमिका में परिभाषित किया गया है? तो किस में परिभाषित किया गया है? ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा, जो कि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक कार्य विकास में दो बार दिखाई देता है, एक लोगों के बीच वास्तविक बातचीत के रूप में, दूसरा इस कार्य के आंतरिक समावेशन के प्रारूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर ठीक हो जाएगा। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने के लिए कोलिंस के द्वारा निम्नलिखित में से किन रणनीतियों को प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा? कोलिंस के द्वारा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी इसका आंसर ठीक रहेगा। कैसे? एक तो मॉडलिंग, कोचिंग और स्कोप फोल्डिंग, ए ठीक है, और सी भी इसका ठीक है, अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब और अन्वेषण। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ठीक रहेगा। अगला है कि जो निजी अनुभव की हमारी समृद्धि को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डी इसका आंसर ठीक रहेगा। क्या है? प्रासंगिक समृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान कुछ करने, विशेष रूप से किसी शारीरिक कार्य को करने की विधि को याद करने की क्षमता है, क्या है? प्रक्रियात्मक समृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला देखो, SSC को खालिस्तान के लिए अधिनियम और नियमों की आवश्यकता होती है, तो क्या इसका आंसर रहेगा आपके अनुसार? ये इसका आंसर रहेगा, स्कूली शिक्षा में माता पिता और समुदाय की भागीदारी। ठीक है, पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक और तीसरा भी ठीक। ठीक है, देखो ये भी ठीक स्कूली शिक्षा में, ये भी ठीक है और ये भी ठीक, ये तीनों इसके ठीक हो जाएंगे। अगला देखो कि जो शिक्षा जनरल बोर्ड है खालिस्तान के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है? देखो इसका आंसर डी रहेगा, अपने प्रभात के हर स्कूल में एक SSC की स्थापना करने और सभी SSC के लिए अभिविन्यास, प्रशिक्षण, विकास और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने। मतलब कि इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ठीक हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य तत्व सामाजिकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं? कौन से करते हैं? मानव जैविक क्षमता और संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभव। ए इसका आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, अगला देखो, सड़क के बच्चों के लिए बाल गृह, घर, प्रायोजित शिक्षा, गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सामग्री का वितरण या शिक्षा प्रायोजित स्कूल और ट्यूशन की फीस, अनाथालय खालिस्तान द्वारा चलाए जा रहे हैं? अच्छा प्रश्न है, बताओ किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? इसका आंसर सी रहेगा, स्यूट्स के द्वारा। ठीक है, अगला देखो, किस अवधि के दौरान जो विशिष्ट दोस्ती की उत्पत्ति को देखना शुरू किया जाता है, किसके दौरान? 18 से 36 महीने के दौरान। ठीक है, इस दोस्ती को देखना शुरू किया जाता है। तो ये हमारा आज का पेपर था 2014 का, ये अपना पेपर हुआ था DSSP PRT का। इसका PDF मैंने नीचे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद लगा सकते हैं या फिर कभी लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।